अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कैनवा के ज़रिए अपने मोबाइल एंड्रॉयड में किस तरह आप अपने यूट्यूब के लिए थंबनेल बना सकते हैं। इससे पहले कैनवा को तो आपने देखा होगा, इस तरह यूट्यूब में जाएंगे, अच्छा प्ले स्टोर में जाएंगे, यहाँ पे CANVA कैनवा लिखेंगे। यह इसको तो हर कोई जानता है, आजकल हर कोई यूज़ कर रहा है, लेकिन इसका जो एडवांस फीचर्स हैं उनको यूज़ करने का मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ। और कैनवा जब लिखेंगे तो सर्च करेंगे, इस तरह ये वाला कैनवा आ रहा है। यहाँ आप चेक कर सकते हैं, इसका 90 MB का है, 19 MB का है, 19 MB का है, और रेटेड है 3+, यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे 800+ इसके डाउनलोड्स हैं, और 11 मिलियन रिव्यूज़ हैं इसके, 4.5 यानी 5 में से 4.5 11 मिलियन रिव्यूज़ हैं, मतलब ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। उसके लिए इसको मैं बाद में अपडेट कर लूँगा, आप यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मैंने डाउनलोड किया, मैं डाउनलोड को ऊपर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से डाउनलोड ओपन करने के बाद आप यहां पे सर्च करेंगे, अगर आपको जो भी जिस वाले से यूट्यूब थंबनेल, जैसे मैं अगर मुझे यूट्यूब थंबनेल है आज का हमारा टॉपिक, तो मैं यहां पे लिखता हूं यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब थंबनेल, ठीक है, यूट्यूब थंबनेल यहां पे लिख के सर्च कर लेता हूं। जब आप सर्च कर लेंगे तो नीचे सारे यूट्यूब थंबनेल ये आ जाएंगे, ये तैयार हैं जो भी आप बनाना चाहें, यहाँ से कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं, इसको फिर एडिट भी कर सकते हैं, ये जो भी लिखा हुआ है इंग्लिश इनको चेंज भी कर सकते हैं आप, और इसमें उर्दू वाला भी उसमें है, उर्दू वाला भी फ़ॉन्ट्स हैं, यानी आप उर्दू में भी इसमें लिख सकते हैं। उसके लिए आप लिंक में कमेंट्स कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करके फिर कमेंट्स कर लें मुझे, फिर मैं आप लोगों को इसका पेड वर्जन वाला, जो कि मैंने पेड किया है, जो मैंने ख़रीद लिया है, उसका मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग इसमें से ज्वाइन कर लेंगे। आप लोगों का भी ये सारे आप इस तरह देख रहे हैं कि इस मेरे सारे यहाँ पे कोई भी वो नहीं है, ब्लॉक नहीं है, यानी उसमें नहीं है कि गोल्ड वर्जन जो आता है वो मतलब यूज़ नहीं कर सकता जब तक कोई पेड नहीं कर लेता। जैसे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ, इसको ओपन करने के बाद अब इसमें कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं, ये तस्वीर को भी मैं चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी यहाँ पे कोई और तस्वीर ला सकता हूँ, और यहाँ पे हाउ टू ट्रेन योर पप्पी, इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ, उसके कलर्स वगैरह को चेंज कर सकता हूँ। कलर को चेंज करने के लिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉन्ट्स हैं, फ़ॉन्ट्स को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप, कोई सा भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं ये सिर्फ चेकिंग के लिए आप देख रहे हैं, वहाँ पे फ़ॉन्ट्स पे चेक कर लें, वहाँ पे फ़ॉन्ट्स भी चेंज होता रहे हो रहा है। यहाँ पे मैं पहले वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये हो गए हमारे फ़ॉन्ट्स, और यहाँ पे दूसरा यह पे, अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, एडिट करना कुछ और लिखना चाहते हैं, तो एडिट पर आप ये वाला एडिट है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको एड बैक स्पेस दबाएंगे, ख़त्म कर लेंगे, फिर आप खुद लिख सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट थंबनेल में यहाँ पे लिखूँगा RETE क्रिएट यूट्यूब THUMBNL थंबनेल, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह। आप अगर ये बड़ा हो गया तो आप एक कोने से पकड़ के इसको एक कोने से पकड़ के इस तरह छोटे छोटा कर सकते हैं अपनी डिमांड के मुताबिक। इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे आप इसके अंदर डबल क्लिक करके एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसके लिए फिर कोई सा भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये फ़ॉन्ट्स है, यहाँ पे नीचे आ सकते हैं, नीचे भी मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स हैं, यहाँ पर नीचे कोई सा दूसरा मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला ये सही नहीं, पहले वाला ये थोड़ा बेहतर है। यहाँ सेलेक्ट होने के बाद फिर आप नीचे आएंगे, यहाँ पे इसके स्टाइल आप देख सकते हैं, कौन सा हेडिंग वाला आप देखते हैं, इस तरह अगर बड़ा हो गया इसको इस तरह, यहाँ से अगर ये पप्पी वाले को हम पहले
डिलीट कर लेते हैं इसको यहाँ पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे जब एक बार तो वहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आएगा, यहाँ से हम इसको डिलीट कर लेते हैं। फिर यहाँ कोने से इसको पकड़ लेते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यूट्यूब पूरा नहीं आ रहा है, तो ये दरमियान वाला ये जो है ये यहाँ से इसको पकड़ लेते हैं इस तरह, फिर इसको इस तरफ ले जाते हैं, फिर इसको इस तरह जितना आप चाहें इसको उसी हिसाब से रख सकते हैं। सबसे पहले हम इसको सेंटर में लाएंगे, यहाँ पे थोड़ा इस तरफ आ जाएंगे, यहाँ पे सेंट्रलाइज कर लेंगे इसको। अच्छा, इसको पहले इसका कलर चेंज कर लेंगे, ये तस्वीर भी मैं डिलीट कर लेता हूँ पहले, कोई दूसरा तस्वीर लाएंगे फिर आप लोगों को ठीक से समझ आएगा। यहाँ हो गया, इसका हम कलर चेंज कर लेंगे अभी। ये फ़ॉन्ट साइज़, यहाँ से भी आप फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। क्रिएट यूट्यूब थंबनेल इस तरह, यहाँ पे फ़ॉन्ट जब सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे कलर आप यहाँ पे बैक कर लेता हूँ, यहाँ पे ये कलर है, जैसे यहाँ पे ये नज़र आ रहा होगा ए लिखा हुआ, एक लिखा है फिर नीचे कलर लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे आप, यहाँ से आप कोई भी कलर किसी भी कलर में इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं, ये मेरा फ्री पेड वर्जन है, इसीलिए ये मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा। अगर आप सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट्स कर लें नीचे कि हमें लिंक चाहिए, तो मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगा, आप उसे ज्वाइन करके आप भी इस तरह के सारे कलर्स वगैरह, इसके जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं आप इनसे फ़ायदा ले सकते हैं। ये डबल कलर है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट, यूट्यूब के लिए ये अलग कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप इसको बोल्ड भी कर सकते, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आप बड़े स्पेलिंग में कर सकते हैं, कैपिटल इस्तेमाल यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए अंडरलाइन में ख़त्म कर लेता हूँ, ये इटैलिक भी, ये उसको मैं सेंटर में कर लेता हूँ, यहाँ सेंटर में इस तरह, और सही है ताकि फिर हमारी हमें मसला नहीं करे, क्योंकि तस्वीर जब आएगा फिर ये मसला करेगा। इसको हम यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं, यहाँ से इस तरह ही हो गया, ठीक हो गया। इसका साइज़ चेंज थोड़ा बड़ा कर लेंगे, यहाँ से साइज़ आप बड़ा कर सकते हैं, यहाँ साइज़ जो बड़ा होगा इसका, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ डबल ए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे, इससे आप साइज़ को बड़ा और छोटा कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप रखो रखना है यहाँ से रख सकते हैं। इसको और क्या ऑप्शन है इसमें, इसमें ये स्केलिंग स्पेसिंग में इस तरह होता है कि ये दरमियान जो एक लाइन से दूसरा लाइन है, इसमें इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक वर्ड के ABC जो है उनको आप दूर या नज़दीक कर सकते हैं, जितना चाहें आप कर सकते हैं नज़दीक, और जितना इसको बढ़ाएंगे ये दूर होते जाएंगे। और लाइन के दरमियान, यानी इस तरह आप देख सकते हैं लाइन के दरमियान, यहाँ से भी इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं जैसा आप चाहें, इस तरह इसका ये सिस्टम है। स्पेसिंग के बाद यहाँ पे इफ़ेक्ट्स भी हैं बहुत सारे, इसमें आप अपने जो टेक्स्ट है उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ऑफसेट कर सकते हैं इसको, डायरेक्शन दे सकते हैं इसको, डायरेक्शन किस तरह होनी चाहिए, इसको ब्लर भी कर सकते हैं। ब्लर के बाद इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं कि कितना ये इसका जो शेडो है इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। कलर भी यहाँ पे नीचे कलर भी दिया हुआ है, कलर पे आप सेलेक्ट करेंगे, कलर भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे, फिर से इफ़ेक्ट में जाएंगे, दूसरा चेंज करेंगे ये वाला, इस पर भी एक बार आप जब क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा नॉर्मल, डबल क्लिक करेंगे इस पर ये वॉल्यूम वाला ऑप्शन आएगा, उसमें आप इसकी मकदार को बड़ा या कम कर सकते हैं, ज़्यादा या कम कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर से हम इफ़ेक्ट पे जाते हैं, दूसरा ये इस तरह की आपकी टेक्स्ट हो सकती है, और इस तरह भी हो सकता है, इसको आप डबल क्लिक करेंगे इस तरह अपनी टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है, जो भी चेंजिंग करनी है। फिर से जाएंगे इफ़ेक्ट पे, एक और है आउटलाइन, जिसमें आपने ये बेहतरीन चीज़ है,
यहाँ से आप अपनी आउटलाइन को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। इससे आपकी टेक्स्ट में एक खूबसूरत सा जान आ जाएगा। और इसमें नेक्स्ट आप जाते हैं, फिर से इफेक्ट में जाएंगे, ये भी है इसमें बहुत सारे हैं, ये भी है, ये भी है, कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बैकग्राउंड भी है, बैकग्राउंड को भी आप कम राउंडनेस कर सकते हैं इसको। और इसमें स्प्रेड भी कर सकते हैं, ज़्यादा फैला सकते हैं, कम फैला सकते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं इसको, बैकग्राउंड को अपने के हल्का कर सकते हैं इसको, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और बैकग्राउंड के कलर को भी यहाँ से, ये जो नीचे दिया हुआ है इसको, इसे आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे ये जो नीचे यहाँ पे, इस पर क्लिक करके कोई सा भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ से ऐसे ही एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ये वाला पिंक है, ये है, इसमें से इसमें थोड़ा सही नज़र आ रहा है। ये सिलेक्ट करने के बाद बैक करेंगे यहाँ से, इसकी ट्रांसपेरेंटी को ज़्यादा या कम, इसको हल्का या बैकग्राउंड को डार्क कर सकते हैं इस तरह। ये करने के बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे शेप्स भी हैं, इस तरह आप करना चाहते हैं, यहाँ पे इस तरह गोल भी करना चाहते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी आप इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, इसको दोबारा हम उसी शेप में जाएंगे, हमें गोल नहीं करना है इस तरह। अगर आप चाहें तो गोल भी कर सकते हैं, जैसा आपकी ज़रूरत है आप उसी हिसाब से कर लेंगे अपना। यहाँ पे ये हमारा हो गया, इसको मैं यहाँ से इस यूट्यूब को दरमियान में लाऊँगा, ताकि हमारा टेक्स्ट अच्छे से मैनेज हो जाए। यहाँ से दरमियान से पकड़ के यहाँ पे एक बार, अगर नहीं आ रहा तो नीचे यहाँ पे वॉलपेपर पे से बैकग्राउंड पे क्लिक कर लें, फिर दोबारा टेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी आप सेटिंग कर सकते हैं इसको, फिर यहाँ से पकड़ के इसको उसकी जगह पे इस साइड पे रख सकते हैं, इस साइड भी जहाँ पे आपको सही लगे आप वहाँ पे रख लें। उसके बाद ये हो गए एनिमेशन हैं, ये ट्रांसपेरेंसी है, इसी तरह इसमें बहुत सारे सिस्टम हैं। इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसी हम यहाँ पे एक इसके लिए एक तस्वीर सेलेक्ट कर लेंगे, तस्वीर का बैकग्राउंड किस तरह चेंज कर लेंगे वो भी बताएंगे, क्योंकि बैकग्राउंड का बहुत मसला होता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे एक बार, यहाँ पे प्लस राइट साइड में, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लस का निशान है, लेफ्ट साइड पे फुल नीचे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं फुल नीचे दरमियान में है, इस साइड में एलिमेंट्स हैं, फिर गैलरी और कैमरा का निशान है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर आप इमेज में ऊपर इमेज का ऑप्शन आएगा, कैमरा क्लिक करने के बाद इमेज का ऑप्शन आएगा। रिसेंट पे हम रिसेंट में जाएंगे, यहाँ से आप कोई भी तस्वीर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई इस तरह का तस्वीर हो जिसमें थोड़ा बैकग्राउंड भी हमें नज़र आ जाए, इसमें कैमरा पर सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। अच्छा, ये वाला तस्वीर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, इसको हेड कर लेते हैं, ये हमारा तस्वीर आ गया यहाँ पे, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तस्वीर की HD क्वालिटी हमने बनाई थी एक दूसरी वीडियो में, उसको आप अपने हमारे चैनल में जा के चेक कर सकते हैं कि हमने इसको HD ये बिल्कुल इसको HD क्वालिटी में किस तरह बनाया। आप वीडियो देख के अपनी तस्वीर भी इस तरह HD क्वालिटी में बना सकते हैं। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद हम इफ़ेक्ट में जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं तस्वीर पे क्लिक किया, ये यहाँ नीचे रिप्लेसमेंट के बाद इफ़ेक्ट्स लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पे है GB रिमूवर, यानी बैकग्राउंड रिमूवर, इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली एनहेंस करके इसको बैकग्राउंड को रिमूव कर लेता है, सिर्फ पिक्चर को क्रॉप करके यहाँ पे हमारे लिए छोड़ देता है। ये इसका बेहतरीन एक बेहतरीन सिस्टम है, और बहुत अच्छे से आप देखें कितनी क्लियरली इसने बैकग्राउंड को रिमूव किया है। ऐसा लगता है किसी बंदे ने इसको घंटों मेहनत करके इसको रिमूव किया है, इस तरह आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप
कुछ भी टेक्स्ट और लिख सकते हैं। अगर आप चाहें कुछ और लिखना चाहें यहाँ पे इसकी कॉपी भी ले सकते हैं। बैकग्राउंड पे क्लिक करें, फिर टेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे डिलीट है, यहाँ पे डिलीट आ रहा है। दूसरे पे यहाँ पे प्लस और दो पेज की तरह नज़र आ रहा है। ये प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक कॉपी बन गया इसका डुप्लीकेट, इस तरह आप देख सकते हैं। इसको आप पहले हम इसको पूरा रिमूव करेंगे, इसमें कुछ और लिखेंगे, इसमें कुछ उर्दू लिखेंगे ताकि आप लोगों को उर्दू भी थोड़ा समझ आए। इसको हम नीचे लाएंगे, यहाँ पे आएंगे। आप एक बात शर्त है कि आप लोगों की कीबोर्ड में उर्दू होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे मेरे कीबोर्ड में उर्दू है तो मैं यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ। उर्दू हैंड राइटिंग है, ये हैंड राइटिंग किस तरह करते हैं, किस तरह डाउनलोड होता है, ये भी आप कमेंट्स कर लें, मैं आप लोगों को ये भी सिखा दूंगा इंशाल्लाह, इसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा हाथ से कलम के ज़रिए वो वहाँ पे टाइप कर लेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ यूट्यूब, इसको क्योंकि कीबोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए लिखने में थोड़ा ट्यूब यूट्यूब यूट्यूब वीडियोस YouTube वीडियोस ये हमारा हो गया। फिर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अभी इस तो ये आप देख रहे हैं ये इस तरह नज़र आ रहा है। इसको हम किस तरह फिर से हम अपना इंग्लिश सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम किस तरह उसमें वो नूरी नस्तकली वाला सिस्टम ऑप्शन वो फॉन्ट इस्तेमाल कर लेंगे। पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट के बिना भी ये हो जाएगा मेरे ख्याल में। अभी हम फॉन्ट में जाएंगे, यहाँ पे फॉन्ट F लिखा हुआ है फॉन्ट में, इसमें क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं अगर आ रहा है तो सही है, हाँ मेरे यहाँ पे आ रहा है। अगर आप नहीं आ रहा आप सर्च में लिखेंगे जमील, इस तरह लिखा हुआ है जमील नूरी नस्तकली। अगर आप हम मेरे दिए हुए लिंक से क्लिक करेंगे इसमें इस ग्रुप में ज्वाइन करके अपने कैनवा को कनेक्ट करेंगे तब जाके आप लोगों को ये उर्दू वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये पेड वाला है। बाकी जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे उसमें ये उर्दू वाला नहीं होगा, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट्स कर लें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को भेज दूंगा सेंड। आप भी इसमें से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे इसको मैं सेंड कर सेलेक्ट ओके कर लेता हूँ। थोड़ा इसमें लोडिंग होगा, लोडिंग के बाद आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसने उर्दू में लिख लिया, बेहतरीन लिख लिया इसको। यहाँ पर ये हो गया। अभी इसको फॉन्ट में थोड़ा वो चेंज कर लेता हूँ, फ़िल्टर में इफ़ेक्ट में जाता हूँ थोड़े इसकी वो क्या बोलते हैं इसको आउटलाइन को सही कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही लगे। इसका मैं इसको वाइट रेड कलर में, रेड कलर को मैं किसी और शेप में कर लेता हूँ, कोई और कलर सेलेक्ट कर, इस तरह ये हो गया। अभी बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। उसी तरह इसको यहाँ से पकड़ के आप लोग बड़ा भी कर सकते हैं, इसके फॉन्ट्स को जहाँ पे भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। इस तरह आप अपने यूट्यूब के लिए थंबनेल बेहतरीन बना सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा हल्का फुल्का बना लिया, लेकिन आप टाइम देके आप लोगों के पास आइडिया होगा हमें क्या करना है। ऐसे फीमेल की तस्वीर की जगह आप अपनी तस्वीर लगा सकते हैं, जो भी आप करना चाहें उस तरह कर सकते हैं, या फिर पूरा आप इसकी इसको पूरा अपने अक्सर आजकल जो नज़र आ रहा है पूरे उसमें पिक्चर में पूरे थंबनेल में इस तरह बड़ी बड़ी यूट्यूब लिखा होता है इस तरह, ताकि अट्रैक्ट होके हर कोई बंदा आप लोगों की वीडियो को देख सके। इस तरह आप लोग भी इसमें इस तरह एडिट कर सकते हैं। फिर सेव करने के लिए यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, जैसे ये एक एरो नीचे है, इस ये डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा लोडिंग करेगा, लोडिंग करने आपकी ये जो थंबनेल है यूट्यूब का इसको अपडेट करेगा, अपडेट करने के बाद इसको डाउनलोड करेगा। प्रिपेयरिंग फॉर डिज़ाइन, यहाँ से इस तरह हमारा डिज़ाइन यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे अब हम अपने गैलरी में जाके देखते हैं कि एक इस तरह डाउनलोड हो चुका है। इस तरह आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा बेहतरीन अंदाज़ में एक हमारा यूट्यूब थंबनेल डाउनलोड हो चुका है। आप अपनी इसी तरह यूट्यूब के थंबनेल्स बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपको ये पेड वर्जन वाला कैनवा का लिंक चाहिए, इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मुझे
कमेंट्स बॉक्स में बस मैसेज कर लें कि हमें ये लिंक भेज दें, हमें ज्वाइन करना है, तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा, कमेंट्स में डाल दूंगा, ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। वीडियो देखने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।